प्रभात सर, YouTube लिंक भी अभी अवेलेबल है। ओके सर, ओके। We are waiting for our honorable vice chancellor sir to log in. As soon as he logs in, we will start our program. Thank you. गुड मॉर्निंग सर। सभी को नमस्कार। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आज भारत के आध्यात्मिक चेतना के अग्रदूत, कर्मयोगी वक्ता, राष्ट्रभक्त सन्यासी स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती आयोजित कर रहा है। विश्वविद्यालय में इस जयंती वर्ष के अवसर पर लगातार 2 दिनों तक अर्थात 11 एवं 12 जनवरी को विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके प्रथम चरण में यानी कि आज 11 जनवरी को हम सबको पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े दीदी का वक्तव्य सुनने का सुअवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही कल के दिन 3 अन्य प्रबुद्ध वक्ताओं के विचारों से हम सभी लाभान्वित होंगे। इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार सर करेंगे और कुछ ही समय पश्चात हमें उनका भी शुभाशीष प्राप्त होगा। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के इस आयोजन से जुड़े विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी, जिसमें कि कुल सचिव आदरणीय डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव सर, निदेशक शिक्षा डॉक्टर अनिल कुमार सर, निदेशक शोध
डॉक्टर ए आर शर्मा सर, निदेशक विस्तार शिक्षा डॉक्टर एस एस सिंह सर, छात्र कल्याण अधिकारी प्रोफेसर मनमोहन ढोबरियाल सर, राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय डॉक्टर गौरव शर्मा सर, इसके साथ समस्त शिक्षकों, विश्वविद्यालय के समस्त छात्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के समस्त कार्यकर्ता एवं समाज के विभिन्न आयामों से जुड़े समाज सेवी बंधु, विवेकानंद के फॉलोवर्स और मुख्य रूप से विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी के मध्य प्रांत की प्रांत संगठक आदरणीय रचना दीदी एवं समस्त कार्यकर्ताओं का मैं रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के इस आयोजन में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब हम सीधे जयंती वर्ष जो स्वामी जी की मनाई जा रही है उसका प्रथम चरण का कार्यक्रम, जिसमें कि एक कार्यकर्ता द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के गीत का गायन किया जाएगा, उसके लिए मैं सौम्या पाल, हमारे बीएससी फॉरेस्ट्री सेकेंड ईयर की छात्रा को यहाँ आमंत्रित करता हूँ कि वह यहाँ आकर गीत का गायन करके कार्यक्रम की शुरुआत करें। सौम्या पाल। हेलो हेलो, हाँ सौम्या, स्टार्ट। सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है बेटा, स्टार्ट करो। हाँ सर एक मिनट। हेलो, स्टार्ट स्टार्ट। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। हम उठे उठे गजग हमारे संग साथियों, हम बढ़े तो सब बढ़ेंगे अपने आप साथियों। जमी पे आसमान को उतार दे, जमी पे आसमान को उतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। आसियों को दूर कर खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को पाटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, विज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। समर्थ बाल वृद्ध और नारियां रहे सदा, हरे भरे वनों की शाल ओढ़ती रहे धरा। तरक्कियों को एक नई कतार दे, तरक्कियों को एक नई कतार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। ये जाति धर्म बोलियां बने नशूल राह की, बनाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की। भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। उठे समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे, स्वयं सजे वसुंधरा सवार दे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्या पाल को। जैसा कि हम सबको विदित है, आज से 158 वर्ष पूर्व कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त और भुवनेश्वरी देवी के घर एक बालक जन्म लेता है। भारत में बालक का जन्म लेना एक साधारण सी बात होती है, किंतु उस समय इतिहास अपने युग के ज्वलंतम प्रश्नों के उत्तर देने की तैयारी कर रहा था, क्योंकि छोटा सा बालक नरेंद्र
जो कभी अपना नाम विविधानंद रख लेता है, जो कभी अपना नाम सच्चिदानंद रख लेता है, और अंततः पूरा विश्व उसे विवेकानंद के नाम से जानता है। उस स्वामी विवेकानंद जी ने न केवल 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शिकागो में आर्ट इंस्टीट्यूट के विशाल कक्ष में भारत की संस्कृति को महानता की चरम सीमा तक पहुंचाया था, अपितु उस महापुरुष ने भारत के वर्तमान, भूत एवं भविष्य का चिंतन करके एक मार्ग प्रशस्त किया था, जिसको हम सबको उस मार्ग पर अवलंबन करने की, उसका अनुग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम विवेकानंद जी जैसे महापुरुष की यह विश्वविद्यालय जन्म जयंती वर्ष मना रहा है। अब हम सीधे कार्यक्रम के द्वितीय चरण की ओर चलेंगे, जिसमें आज के हमारे इस जयंती वर्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कि हमारे परम आदरणीय कुलपति महोदय कर रहे हैं, जिनके निर्देशन एवं मार्गदर्शन से यह विश्वविद्यालय अपने स्थापना के कुछ वर्षों में ही शैक्षणिक मापदंडों पर अग्रणी होने की कतार में खड़ा है। उनके निर्देशन से न केवल यह विश्वविद्यालय शैक्षणिक मापदंडों पे, बल्कि छात्र छात्राओं के व्यक्तित्व विकास के समस्त आयामों को वो हमेशा प्रोत्साहित करते रहे हैं, जिसका की परिणाम है कि आज विश्वविद्यालय में एनसीसी, एनएसएस, स्पोर्ट्स जैसी अनेक गतिविधियां चल रही हैं एवं छात्र छात्राओं का व्यक्तित्व विकास हो रहा है। आदरणीय कुलपति जी के नेतृत्व में जब भी हम कभी किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए उनके संज्ञान में बात को लाते हैं, तो वह सहर्ष अपनी स्वीकृति प्रदान करते हैं एवं हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय कुलपति जी से विनम्र आग्रह है कि आज स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कार्यक्रम के शुभारंभ करने की कृपा करें। आदरणीय कुलपति महोदय, आज हमारे बीच उपस्थित माननीय निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी, सर्वप्रथम तो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना वर्ष 2014 में राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में हमारे संसद द्वारा स्थापित की गई, इस अवसर पर आप और विशेष रूप से विवेकानंद जैसे महापुरुष के विचार सुनने हेतु आपने विश्वविद्यालय को अपनी सहमति दी, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे यहाँ के शिक्षकों, कर्मचारियों और विशेष रूप से हमारे युवाओं में, विद्यार्थियों में एक नया जोश भरने में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इस अवसर पर मैं आपका स्वागत करता हूँ, और जैसा कि भिड़े जी के बारे में सभी जानते हैं, वो वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की, और उनका जीवन पूर्णतया समाज सेवा के लिए, शिक्षा के लिए और इस केंद्र से जुड़े हुए विभिन्न दायित्वों के लिए समर्पित रहा है। ऐसे समर्पित व्यक्तित्व का विश्वविद्यालय परिवार हार्दिक स्वागत करता है, और हमारे विद्यार्थियों को संबोधन करने के लिए, कर्मचारियों को संबोधन करने के लिए, शिक्षकों को, अधिकारियों को संबोधन करने के लिए मैं अपनी ओर से और विश्वविद्यालय की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आप न केवल एक एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, बल्कि आप समाज सेवी के रूप में भी जानी जाती हैं, और आपकी शिक्षा वर्धा महाराष्ट्र से मुख्य रूप से हुई है, और आपको समय समय पर आपने देश का प्रतिनिधित्व भी किया है,
यूनेस्को द्वारा 1999 में एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में शैक्षणिक विशेषज्ञों की ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत का आपने प्रतिनिधित्व किया, और इसके अलावा इस सदी के हमारे शुरुआत में ही तमिलनाडु राज्य के मैट्रिक विद्यालय संगठन की कार्यकारिणी परिषद सदस्य एवं शिक्षण राष्ट्रीय परिषद के साधारण सभा के सदस्य रहे, और कई पुस्तकें आपने लिखी हैं जिसमें प्रमुख रूप से एकनाथ जी एजुकेशन ए चाइल्ड, भारतीय वुमेनहुड थ्रू एजिज, स्वामी विवेकानंद अमेरिका में, बंग बंधु श्री राम, श्री भक्तों की कहानियां, बहुत सारे आपके ऐसे लेखन हैं। क्योंकि अगर आपके लेखन और जो आपने व्याख्यान विभिन्न संस्थानों में दिए हैं उन पर प्रकाश डाला जाए तो न केवल भारत में बल्कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, विशेष रूप से अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में आपने विवेकानंद के आदर्शों को, भारतीय संस्कृति को ज्वलंत रखने के लिए, युवाओं को एक नया संदेश देने के लिए अनेक अनेक व्याख्यान दिए हैं और कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। आपको शिक्षा एवं समाज क्षेत्र के सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु देशभगत विश्वविद्यालय गोविंदगढ़ द्वारा मानक पीएचडी उपाधि भी दी गई, और इसके अलावा भारत सरकार द्वारा भी आपको सर्वविदित है कि 2017 में हमारे उच्च जो एक तरीके से प्रतिष्ठा का पात्र है पद्मश्री, उससे नवाजा गया, और इस प्रकार से आपने देश और विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। आज अगर हम बात करते हैं विशेष रूप से विवेकानंद के विषय में, तो विवेकानंद हमारे युवाओं के एक आदर्श हैं, और अगर युवाओं में विवेकानंद का नाम लिया जाता है तो उनमें एक नया जोश भर जाता है, और यही एक हमारा कारण था कि हमने अपने प्रथम छात्र, जो छात्राओं का छात्रावास है, छात्र का छात्रावास है, उसका नाम विवेकानंद छात्रावास रखा, जिससे कि विवेकानंद का नाम मात्र से ही उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो और उनके आदर्शों पर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। इस प्रकार से ये विश्वविद्यालय जो कि कृषि के क्षेत्र में पहली राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में स्थापित की गई है, विश्वविद्यालय का प्रयास रहता है कि विश्वविद्यालय भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, संस्कार के बारे में समय समय पर विद्यार्थियों को आप जैसे महानुभावों के माध्यम से प्रेरणा प्रदान करती रहे, और इसी के साथ साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर हमारे युवा विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। हमारे विद्यार्थी अखिल भारतीय खेलकूद प्रतियोगिता, अखिल भारतीय जो सांस्कृतिक प्रतियोगिता होती है उसमें शुरू से ही भाग लेते रहे हैं, एनसीसी और इस प्रकार के अनेक दिवस इस विश्वविद्यालय में मनाए जाते हैं। इस विश्वविद्यालय द्वारा ये भी निर्णय लिया गया कि हम महापुरुषों के जीवन पर एक दिवस अवश्य विद्यार्थियों को जानकारी दें, और इस संबंध में जो हमारे महापुरुष भारत की संस्कृति, भारत पर जिनका एक अटूट छाप रही है, उनके बारे में
एक दिवस अवश्य समर्पित किया जाए। इसी प्रकार से लगभग 35 दिवस हम विश्वविद्यालय में आयोजित कर इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। अभी भी आज और कल दो दिन विश्वविद्यालय द्वारा ये विवेकानंद जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें व्याख्यान के अतिरिक्त विद्यार्थियों को प्रेरणा के लिए अनेक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। और विशेष रूप से विवेकानंद केंद्र जो कन्याकुमारी है, वो एक आध्यात्म प्रेरित सेवा संगठन है, और इसके द्वारा न केवल शिक्षा में अपितु स्वास्थ्य, ग्रामीण व जनजातीय कल्याण, कौशल विकास, बहुत सारे अनेकानेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसके द्वारा आज इस केंद्र की महत्ता बहुत अधिक बढ़ गई है। विशेष रूप से ये विवेकानंद केंद्र विद्यालय, जो कि अरुणाचल प्रदेश, आसाम, अंडमान, तमिलनाडु, नागालैंड, कर्नाटक में प्रमुख रूप से हैं, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, और इसी प्रकार से अनेक कार्यक्रम जनजातीय कल्याण और कौशल विकास के लिए, विशेष रूप से स्वयं सहायता समूह और महिलाओं और युवाओं के बीच में नेतृत्व विकास के लिए अनेक शिविर आयोजित किए गए, तथा किस प्रकार से प्राकृतिक संसाधनों से उनकी सुरक्षा की जाए, उनको बचाया जा सके, जिससे हमारे देश में जो प्राकृतिक संसाधन है उनका ह्रास हो रहा है, उनमें कमी की जा सके। और विशेष रूप से रामेश्वरम में पारंपरिक जल निकाय को पुनर्जीवित करने के कार्य से भी केंद्र संलग्न है। तो इस प्रकार इस केंद्र द्वारा अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं, और आज हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्षा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से जुड़ी हैं, जिन्होंने देश में एक नई कीर्ति मान स्थापित किया है और अनेक क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य करके हमारे युवाओं को एक नई दिशा दी है। आज इस अवसर पर मैं सभी विश्वविद्यालय के जो आयोजक हैं, हमारे अधिकारीगण, विभिन्न निदेशक, हमारे अधिष्ठातागण और सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहता हूं। और विशेष रूप से मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए माननीय निवेदिता रघुनाथ भिड़े जी से आग्रह करता हूं कि वो इस अवसर पर संबोधित कर हमको लाभान्वित कर सकें, क्योंकि उनका जीवन शिक्षा और सेवा भावना से, सेवा कार्यक्रमों से एक तरीके से समर्पित है। उनसे जो हमें मार्गदर्शन मिलेगा, जो युवाओं को संदेश जाएगा, वो निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। मैं पुनः आज इस विद्यालय के सभी आयोजक जनों को इस तो अवसर पर बधाई देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं कि ये दो दिवसीय कार्यक्रम हमारे विद्यार्थियों में, युवाओं में एक नया जोश भरने में सक्षम हो सकेगा, और हम उनके आदर्शों पर चलते हुए भारत की प्रगति की ओर एक कदम और अधिक बढ़ा सकेंगे। अंत में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अनुरोध माननीय भिड़े जी से कि हम सबको अपना एक तरीके से मार्गदर्शन दे के अनुग्रहित कर सके। धन्यवाद। आदरणीय कुलपति महोदय, आपके आज के कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए आपका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपने अपना जो आज कीमती समय दिया हम सबको और इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता की, उसके लिए विशेष रूप से आपका धन्यवाद। जैसा कि हम सबको विदित है कि स्वामी विवेकानंद ने
ना केवल विज्ञान एवं वेदांत का अध्ययन कर हम सब के लिए मार्ग स्पष्ट किया था, अपितु संपूर्ण भारत को सेवा एवं त्याग के माध्यम से आगे बढ़ने की सलाह भी दी थी। स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं और युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए विवेकानंद के विचारों में अपना संपूर्ण जीवन खपा देने वाली आदरणीय पद्मश्री निवेदिता रघुनाथ भिड़े दीदी का आज हम सबको व्याख्यान मिलने वाला है। वो व्याख्यान शुरू करें उनके बारे में जैसा कि कुलपति जी ने बताया है, पर फिर भी मैं थोड़ा अल्प परिचय दे दूं। दीदी का पूरा नाम निवेदिता रघुनाथ भिड़े है। दीदी मूलतः महाराष्ट्र की है। दीदी को बचपन से ही उनके संस्कारों में समाज सेवा एवं राष्ट्र सेवा जैसे संस्कार मिले, उसी का परिणाम स्वरूप था कि 19 वर्ष की अल्पायु में ही विवेकानंद केंद्र की जीवन व्रति कार्यकर्ता बन गई। विवेकानंद केंद्र में जीवन व्रति कार्यकर्ता वो होते हैं जो अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा राष्ट्र सेवा एवं विवेकानंद के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए लगा देते हैं। दीदी को शुरुआत में तमिलनाडु राज्य के 4 दक्षिण जिलों में ग्रामीण विकास का दायित्व का निर्वहन किया तथा उसके पश्चात वह विवेकानंद केंद्र द्वारा संचालित विवेकानंद केंद्र विद्यालय में प्राचार्य के पद का भी उन्होंने निर्वहन किया तथा वे विवेकानंद केंद्र की राष्ट्रीय शैक्षणिक सचिव के रूप में कार्य करते हुए बेसिकली नॉर्थ ईस्ट जिसमें की अंडमान असम नागालैंड जैसे राज्य हैं वहां के 47 विवेकानंद केंद्र विद्यालय का दीदी ने मार्गदर्शन किया है। जैसा कि आदरणीय कुलपति ने दीदी के बारे में बताया था, उन्होंने यूनेस्को द्वारा 1999 में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही वह तमिलनाडु राज्य की मैट्रिक विद्यालय संगठन की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया और दीदी ने अनेक पुस्तकों का लेखन किया है, वह हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। वह अपने व्याख्यान के लिए देश नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध हैं। वह IIT चेन्नई, IIM बेंगलोर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अनेकों बार अपने व्याख्यान दे चुकी हैं और सब उन्हें बड़ी आतुरता के साथ सुनते हैं। दीदी ने अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंचों में अपना शोध ग्रंथ का प्रस्तुतिकरण किया है तथा सहभागिता किया है। जहां तक दीदी का विषय है तो दीदी को समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु देशभक्त विश्वविद्यालय द्वारा मानद PhD की उपाधि तथा विशेषकर सरस्वती बाई आपटे महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दीदी को दिया गया है। ऐसा कि हम सबको पता है कि सन 2017 में दीदी को समाज सेवा एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान हेतु पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आज हम सबका सौभाग्य है कि ऐसे महानतम व्यक्तित्व कर्मयोगी व्यक्तित्व की धनी प्रज्ञावान विदुषी और हम सब की प्रेरणा स्रोत आदरणीय निवेदिता दीदी का हम सबको व्याख्यान होने वाला है और मैं विशेषकर से सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे हमेशा दीदी का स्नेह एवं आशीर्वाद से मैं अभिसंचित हुआ हूँ। ज्यादा समय न लेते हुए अब मैं सीधे दीदी से अनुरोध करूंगा कि आज के विषय जिसका कि विषय है स्वामी जी की दृष्टि में विज्ञान एवं अध्यात्म, उसमें हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें आदरणीय निवेदिता दीदी। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति माननीय प्रोफेसर अरविंद कुमार जी, कुल सचिव डॉक्टर मुकेश कुमार श्रीवास्तव जी, सारे प्राध्यापक वृंद और यहाँ उपस्थित यानी ऑनलाइन उपस्थित सारे बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा विनम्र प्रणाम। आज स्वामी विवेकानंद के जयंती के अवसर पर चर्चा के लिए चिंतन के लिए जो विषय मुझे बताया गया है विश्वविद्यालय की ओर से वह है स्वामी विवेकानंद और अध्यात्म और विज्ञान। तो यह विषय देखने के पहले हम ये एक देख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद एक ऐसी विशेष व्यक्तिमत्व है कि जिन्होंने
भारतीय तत्वज्ञान और पाश्चिमात्य तत्वज्ञान, इन दोनों का बड़ा गहरा अध्ययन किया था। दूसरा जैसे कि ऐसे अभी ऐसे अध्ययन करने वाले तो काफी हो सकते हैं, लेकिन इनका विशेषता ये था कि स्वामी विवेकानंद ने भारत का बहुत करीब से दर्शन किया था। यानी वो जब परिव्राजक करके निकले और पूरे भारत भर गए थे, तब वो एक अज्ञात सन्यासी करके थे, किसी को पता नहीं था। लोग जब पूछते थे तब ये नाम बताते थे, कभी स्वामी विविदिशानंद, कभी स्वामी सच्चिदानंद, कभी सिर्फ इतना ही बताते थे कि मैं श्री रामकृष्ण परमहंस का शिष्य हूँ। और ऐसा करते हुए स्वामी विवेकानंद पूरे भारत भर गए, उन्होंने भारतीय समाज को बड़े करीब से देखा, उन्होंने बहुत सारी बातें देखी। क्योंकि वो गए, वो कभी झोपड़ी में रहे, कभी महलों में उनको बुलाया गया, वहां रहे, लेकिन वहां रुके नहीं, कुछ दिन रहे, फिर से चल पड़े। हाथ में पैसा न लेकर जा रहे थे, इसीलिए भूख लगने से भिक्षा मांगते थे, तो उससे उनको अपने लोगों का स्वभाव और समझा। कभी पेड़ के नीचे सोते थे, कोई किसी ने घर में बुलाया तो घर जाके सोते थे, महलों में बुलाया महल में जाते थे, लेकिन फिर से वहां से दूसरी जगह निकलते थे। जिनको हम अज्ञानी कहते हैं उनके साथ उन्होंने चर्चाएं की, जिनको हम पढ़े लिखे कहते हैं उनके साथ की, गाँव में गए, शहरों में गए, ऐसा करते हुए पूरा भारत का दर्शन उन्होंने किया। और जब अमेरिका से वापस आए, अमेरिका से वापस आने के बाद फिर से वो पूरे भारत भर गए थे, कोलंबो से पूरा अल्मोरा तक उनके बहुत जगह व्याख्यानों का आयोजन किया गया था। और उस समय एक जगत गुरु के दृष्टि से भी उन्होंने भारत को देखा, क्योंकि उस समय वो बड़े प्रख्यात हो गए थे और लोग उनको सुनने के लिए बड़ी संख्या में आते थे। तो दोनों प्रकार से भारतीय समाज का दर्शन भी किया, यानी सिर्फ तत्वज्ञान समझा ऐसा नहीं, तो वो दर्शन भी किया। उसी प्रकार उन्होंने पश्चिम का भी दोनों प्रकार से दर्शन किया। यानी जब वो पहले वहां गए तब सर्वधर्म परिषद, जैसा हम जानते हैं कि वह 2 महीना बाद में होगी ऐसा बताया गया, तो 2 महीना स्वामी जी को वहां रहना था। और उस 2 महीने में स्वामी जी की तो लोगों ने मजाक उड़ाई, कभी उनके कपड़े खींचे, कभी उनको जंगली बताया, कभी ब्लैक डॉग बोला, कभी नीगर बोला, ऐसा भी था। और स्वामी जी को मदद करने वाले प्रोफेसर राइट जैसे प्रोफेसर थे, या मिस्टर एंड मिसेस हेल का परिवार था कि जो उनको अल्टीमेटली वो सर्वधर्म परिषद के इसमें लेके गया। तो ऐसा हम देखते हैं कि पहले 2 महीना ऐसा उनको दर्शन हुआ, और बाद में हम देखते हैं कि उनके तो बड़े बड़े पोस्टर्स लोगों ने अपनी इच्छा से लगाए, पूरे शिकागो में उनके पोस्टर्स हो गए और बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो प्रसिद्ध होने के बाद का भी उन्होंने, तब ट्रीटमेंट अलग मिलती है, तो उन्होंने समाज को अलग प्रकार से देखा। तो दोनों प्रकार से दोनों समाज को, पौर्वात्य और पश्चिमात्य समाज को उन्होंने देखा, उसका तत्वज्ञान भी पता था। और इसीलिए हम देखते हैं कि स्वामी जी जो भी कहते हैं वो बड़ा सार्वकालिक है, सर्वस्पर्शी है। यानी उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जिससे ये सिर्फ उस समय के लिए ठीक था, अब जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। दूसरा, इन सबसे परे उनका और एक जो योग्यता हम देखते हैं कि उन्होंने श्री रामकृष्ण परमहंस के चरणों में जो साधना की आध्यात्मिक, और उसमें उन्होंने अनुभूति भी की, जो समाधि की अनुभूति है वो भी उन्होंने की। यानी उनका जो भी चिंतन था अध्यात्म को लेकर, वो सिर्फ शाब्दिक नहीं था, वो सिर्फ स्पेक्युलेटिव नहीं था, वो सिर्फ तार्किक नहीं था, तो वो अनुभव जन्य था, अनुभव से आया हुआ था। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद को जब हम उनके विचार देखते हैं, आज जो अपना विषय है कि विज्ञान और अध्यात्म, इसको देखना है, तो जिनको शायद स्वामी विवेकानंद ज्यादा पता नहीं, उनके मन में प्रश्न आ सकता है कि ये तो सन्यासी है, इनके लिए अध्यात्म विषय देना समझ सकते हैं, लेकिन विज्ञान विषय क्यों दिया है? विज्ञान से स्वामी विवेकानंद का क्या संबंध था? क्योंकि वैसे भी उन्होंने बीए किया था और बाद में तो वो सन्यासी बन गए, तो विज्ञान से उनका क्या संबंध है? ऐसा प्रश्न हमारे मन में आ सकता है।
लेकिन जैसे हम अभी देखेंगे कि स्वामी जी चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, उसका जो वैचारिक अधिष्ठान है, उसका जो अंतिम लक्ष्य है, इनको उन्होंने इतना अच्छी तरह से समझा था। और दूसरा कि अपने देश में जिसको हम अध्यात्म कहते हैं, वो अध्यात्म यानी कुछ पुस्तकों में लिखे हुए बातों पे विश्वास, ऐसा अध्यात्म नहीं है। तो यह भी उतना ही वैज्ञानिक रीति से हम कैसे उस ईश्वर की अनुभूति कर सकते हैं या अपने आत्मस्वरूप की अनुभूति कर सकते हैं, यह लिखा हुआ है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद के नजरों में विज्ञान और अध्यात्म दोनों अलग अलग नहीं था, दोनों ही एक वैज्ञानिक पद्धति से सत्य जानने का प्रयास कर रहे हैं, दोनों प्रयास करने वाले मार्ग है। सिर्फ विज्ञान में हम बाह्य सृष्टि का अध्ययन करते हुए जाते हैं, वहां वो हमारे प्रयोग का विषय वस्तु होता है, जबकि अध्यात्म में हम अंदर की तरफ झांकते हुए हम क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, इस विषय को लेते हुए हम जानने का प्रयास करते हैं। और उसमें अपना मन बुद्धि अहंकार ये विषय वस्तु होती है जिसको लेकर प्रयोग करना है। तो इसीलिए दोनों भी, दोनों का भी अधिष्ठान ये वैज्ञानिक है, ये तात्विक है, दोनों की पद्धति भी है। जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान की पद्धति है ना, जैसे कोई उठता है और कहता है कि मैं ऐसा कहता हूं इसलिए आप मान लीजिए, तो हम मानेंगे नहीं, विज्ञान में ऐसा मानते नहीं है। तो विज्ञान में पद्धति होती है कि हम ये निरीक्षण करना है, फिर कुछ निष्कर्ष निकालना है, ये निष्कर्ष निकालने के बाद उस निष्कर्ष के कसौटी पे जो अपने बाकी अनुभव उस क्षेत्र में है वो खरे उतरते हैं क्या, यानी ये निष्कर्ष हमारा सही है क्या, सारे परिस्थिति में वो लगता है क्या, हमारा अवर इन्फरेंस वेदर इट स्टैंड्स ऑल द टेस्ट एंड इट इज ट्रू इन ईच केस, ऐसा जब होता है तब हम कहते हैं कि हाँ ये सत्य है। लेकिन विज्ञान में ऐसा भी होता है कि धीरे 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 उसकी मर्यादा, जो निष्कर्ष जो थियरी हमने प्रपोज की है उसकी कोई मर्यादा ध्यान में आती है और फिर से उसके ऊपर निरीक्षण शुरू होता है, फिर से उसके ऊपर कोई थियरी प्रपोज करते हुए फिर से उसका और चिंतन होते हुए फिर से एक सिस्टमेटिक पद्धति से जाते हुए और नई थियरी बताई जाती है। तब जिनकी वैज्ञानिक दृष्टि होती है यानी साइंटिफिक माइंड जिनका होता है वो क्या करते हैं, वो तुरंत इस यानी जो पहला माना हुआ तत्व है या थियरी है उस थियरी को सहजता से छोड़ के दूसरे थियरी को पकड़ते हैं, यानी सत्य की उपासना है, जो सत्य है उसी को पकड़ेंगे, जो सत्य नहीं है उसको छोड़ देंगे। ये विज्ञान में हम देखते हैं, ऐसा विज्ञान में होता है। अध्यात्म में भी वैसा ही है, अध्यात्म यानी सिर्फ कुछ किसी ने कुछ बताया इसीलिए मान लिया, ऐसा नहीं। तो हमने उसका क्या करना है, स्वयं अनुभव लेना है। जैसे स्वामी विवेकानंद जब राजयोग पुस्तक में कहते हैं तो वो कहते हैं, जब सत्य के बारे में बोलते हैं वो कहते हैं आप 6 महीना मजाक में भी सत्य मत, असत्य मत बोलिए, मजाक में भी आप हर एक के साथ पूरा सत्य ही बोलिए, आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे 6 महीने में आपके शब्दों में ताकत आती है। यानी फिर मन को कैसे धीरे धीरे सही करना, मन का कैसा मन को शांत करना, यानी हम अपने स्वस्वरूप को देख सकते हैं, इसकी सारी स्टेप्स है जिसके अनुसार हम जाने से वो भी एक विज्ञान ही है। अभी हम जब स्वामी विवेकानंद के प्रत्यक्ष जो अमेरिका में यानी स्वामी जी का विज्ञान में क्या योगदान रहा है, अभी ये सुन के हमें थोड़ा आश्चर्य होगा, अध्यात्म में तो स्वामी जी का योगदान है, विज्ञान में स्वामी जी का क्या योगदान है। तो आप जानते होंगे कि स्वामी जी के जो लेक्चर्स वेदांत के ऊपर अमेरिका में हुए वो इतने प्रभावी रहे कि इससे वैज्ञानिकों को आगे के रिसर्च के लिए एक ट्रिगर मिला। यानी हम कह सकते हैं कि द होल क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स
was triggered by the lectures of Swami Vivekananda on Vedanta. अभी जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण दूंगी कि स्वामी विवेकानंद का जब अमेरिका में एक बार भाषण था तो निकोला टेस्ला करके एक बड़े प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, उनको बुलाया गया। उनके किसी मित्र ने बोला कि आप आइए भाषण में, तो निकोला टेस्ला बड़े साइंटिस्ट थे और उनको ये किसी सन्यासी के भाषण में जाना, वो भी भारत से आया हुआ, उनको उसमें बहुत कुछ रुचि नहीं थी। लेकिन जिस मित्र ने बुलाया उसका मान रखने के लिए उन्होंने बोला ठीक है मैं कुछ समय के लिए आऊंगा, और वो आए, थोड़े देरी से आए, और जब आए तब सारी कुर्सियां भर गई थी। तो इसीलिए वो पीछे खड़े रहते हुए उन्होंने सोचा वैसे भी तो मैं 10 मिनट रहने वाला हूँ और वो थोड़ा 10 मिनट के लिए वहां खड़ा रहूंगा करके खड़े रहे। लेकिन जिस प्रकार से स्वामी जी आकाश प्राण वगैरह ये सब बता रहे थे तो उनके मन में एनर्जी मैटर इसका कैलकुलेशन शुरू हो गया, और जैसा ये सारा चल रहा था तो वो इतने प्रभावित हुए कि वो पूरा लेक्चर, और उस दिन सीखे वो कम से कम 1.5-2 घंटा चला, वो पूरे वहां खड़े रहे। उसके बाद फिर से स्वामी जी के साथ जाते हुए चर्चा की और निकोला टेस्ला ने बताया कि मैं एनर्जी एंड मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल, आई शैल प्रूव इट, मैं ये सिद्ध करूंगा, क्योंकि स्वामी जी के भाषण से उनको वो कल्पना आई। लेकिन हम जानते हैं कि वो उसके पीछे लग गए, उन्होंने स्वामी जी को फिर बाद में 2-3 बार भी अपने यहाँ बुलाया और उनसे चर्चा भी की। बाद में ये आइंस्टाइन ने प्रूव किया E=mc² जो हम जानते हैं। ऐसे काफी सारे साइंटिस्ट जो थे, और बाद में उनका वेदांत में इंटरेस्ट हुआ, वेदर वो हिंसबर्ग था, वेदर वो ये ओपेनहेमर था, ऐसे अनेक लोगों ने वेदांत का अध्ययन किया। तो वेदांत और योग को जो प्रथम उधर लेकर गए बड़े पैमाने पे पश्चिम में, वो स्वामी विवेकानंद थे। दूसरा एक जो उनका योगदान भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना है, तो जब वो अमेरिका जा रहे थे तो उनके ही जहाज में जमशेद जी टाटा थे और दोनों की चर्चा शुरू हो गई। तो उन्होंने पूछा, जमशेद जी बड़े प्रभावित हो गए स्वामी जी से, और उन्होंने पूछा कि, यानी स्वामी जी ने जमशेद जी को पूछा कि आप वहां क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैं वहां से कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आना चाहता हूँ भारत के लिए, यानी भारत में उद्योग क्षेत्र विकसित हो इसके लिए मैं टेक्नोलॉजी लेके आना चाहता हूँ। स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है, आपका सपना बहुत सही है, लेकिन एक बात है, हम टेक्नोलॉजी मांगने जाएंगे हमें कभी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मिलेगी नहीं, इसीलिए हमारे ही देश में हमने ऐसी इंस्टीट्यूट खड़ी करनी है जहां हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे, और वो जो इंस्टीट्यूट है वो जो चलाएगा वो एक संन्यस्त वृत्ति का व्यक्ति होना है, यानी बाकी और कोई विषय नहीं, बस ये टेक्नोलॉजी को हमें विकसित करना है, क्योंकि हम ये 100-150-200 बरस में हम विश्व के पीछे चले गए हैं, तो हमें फ्रॉग लिपिंग टेक्नोलॉजी करना पड़ेगा, यानी हमें जंप मारते मारते उन सबके साथ आना पड़ेगा। ऐसी उनकी सबकी चर्चा, दोनों की चर्चा हुई, और जमशेद जी टाटा उनसे इससे इतना प्रभावित हुए कि जब बाद में वो भारत आए तो भारत में उन्होंने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ये बंगलोर में शुरू किया, और उन्होंने स्वामी विवेकानंद को खत लिखा कि आप आके इस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का आप नेतृत्व कीजिए, तभी ये बहुत अच्छी तरह से विकसित होगा। अभी स्वामी जी ने उसका क्या जवाब दिया हम जानते नहीं, और स्वामी जी बाद में तो तुरंत उनका शरीर छोड़ना ही पड़ा उनको, लेकिन यही बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc जो बेंगलोर की है, बाद में उसका नाम बदला और ये बहुत एक अच्छी इंस्टीट्यूट ये हुई। यानी स्वामी जी की प्रेरणा विज्ञान में संशोधन के लिए भी थी, और विज्ञान से हम अपना अच्छी उन्नति कर सके भारत देश में, इसके लिए उनकी प्रेरणा भी थी। अभी यदि हम थोड़ा उनका अध्यात्म का विचार देखते हैं तो स्वामी जी का ये बहुत सरल है, जो जैसे भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अध्यात्म की परिभाषा एक शब्द में करते हैं,
वो कहते हैं स्वभावोध्यात्ममुच्यते। अध्यात्म क्या है? तो स्व का भाव है, यानी मेरा स्व का भाव कितना विस्तृत हुआ है उतनी मैं आध्यात्मिक मेरी प्रगति हुई है। यानी जब मैं कहती हूँ तो ये मैं यानी सिर्फ ये शरीर मन बुद्धि है क्या? या जब मैं कहती हूँ मेरे मैं में मेरा परिवार आता है, या मेरे मैं में मेरा समाज आता है, मेरे मैं में मेरा राष्ट्र आता है, या मेरे मैं में ये पूरा विश्व आता है। जैसा हम वो श्लोक बोलते हैं ना, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। यानी मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं ये इस पूरे चराचर को व्याप्त करने वाली आत्मचेतना हूं। उस आत्मचेतना की अनुभूति होकर उस प्रकार से सबके साथ व्यवहार, ये अध्यात्म है। अध्यात्म यानी बहुत जप तप कर रहे, बहुत प्रार्थना कर रहे, या तीर्थ यात्रा कर रहे, ठीक है, ये जरूर करना है, नहीं करना है ऐसा नहीं है, क्योंकि इससे अपने मन में कुछ अनुशासन आता है, शरीर मन का एक अनुशासन होता है। लेकिन मैं ये कर रही हूं इसका मतलब मैं आध्यात्मिक हूं, ये जरूरी नहीं है। यानी द रिलीजियस एक्टिविटी इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, बट इट इज हाउ वी लुक एट द होल थिंग। तो एक से ही ये सारा अनेक प्रकटित हुआ है, और इसीलिए ये पूरा विश्व जो है ये परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी और परस्पर जुड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद का एक बहुत बहुत अच्छा एक यह है सुक्ति है कि वो कहते हैं, ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल ऑफ लाइफ इज टू मैनिफेस्ट दैट डिविनिटी बाय कंट्रोलिंग द नेचर एक्सटर्नल एंड इंटरनल, डू दिस बाय वर्क और वर्शिप, बाय साइकिक कंट्रोल और नॉलेज, बाय वन और मोर और ऑल एंड बी फ्री। यानी आज मैं जो भी कुछ मेरा कर्तव्य करके करने जाती हूँ, चाहे मैं शिक्षक हूँ, चाहे मैं किसी की माँ हूँ, किसी के पिता हूँ, तो मेरा कुछ कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य करने जब मैं जाती हूँ, तब मैं मेरे बहुत सारे राग द्वेष से, यानी ये मुझे अच्छा नहीं लगता है, मेरा अभी मुझे गुस्सा आया है, मेरा अभी मूड नहीं है, या उसने ऐसा बोला तो मैं अभी उसके लिए तो ये काम करूंगा ही नहीं, एक्चुअली मैंने करना है लेकिन मैं कहती हूँ करूंगा नहीं, ऐसे हम अनेक बंधनों में हैं। उस बंधनों से मुक्त होकर ये जीवन सबके कल्याण में लगेगा, यानी जो कर्तव्य मुझे करना है, क्योंकि मैं इस सृष्टि, राष्ट्र, समाज और परिवार इसका अंग हूँ, इसका मतलब ही इसके प्रति मेरा कुछ कर्तव्य है। तो वो कर्तव्य आत्मीयता से, अपनेपन से यदि मैं करती हूँ, सहजता से करती हूँ, तो वही आध्यात्मिक व्यवहार है। यानी अध्यात्म यानी किसी गुफा में गए और वहां बैठे ध्यान कर रहे, या सन्यासी के कपड़े पहने, यानी आध्यात्मिक है, ऐसा अध्यात्म का अर्थ नहीं है। तो अपने आत्मबुद्धि में स्थित होते हुए, देह बुद्धि में नहीं, और परिवार, समाज, राष्ट्र और सृष्टि के हित में कार्य करना जो है वह आध्यात्मिक व्यवहार है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद बार बार इस अध्यात्म को लेते हुए वो कहते थे कि हमारे पास ये वेदांत विचार तो है, लेकिन हमें उसको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है, उसको व्यावहारिक करना है, उसको अपने व्यवहार में लाना है। वो जैसे एक ईशावास्योपनिषद के 3 श्लोक है, उसमें ऐसा है कि अंधम तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, ततो भूय इव ते तमो येउ विद्यायाम रताः, लेकिन जो विद्या की उपासना करते हैं वो तो और अधिक अंधेरे में जा रहे हैं ऐसा लगता है। अभी इसमें क्या है, विद्या क्या है, तो मैं कौन हूँ, यानी अध्यात्म विद्या वो विद्या है, यानी मैं कौन हूँ ये जानना, या ईश्वर को जानना, या आत्म साक्षात्कार करना, या आत्मा में प्रतिष्ठित होना, ये विद्या है। और अविद्या क्या है, तो अपना साइंस, टेक्नोलॉजी, ये सारा अविद्या है। अविद्या यानी इग्नोरेंस नहीं, अविद्या यानी अज्ञान नहीं। तो जो अनित्य है उसका ज्ञान, ये अविद्या है।
तो अनित्य यानी जैसे हम जानते हैं कि ये जगत जो है ये बदलता जा रहा है, वो नित्य नहीं है, और इसीलिए शरीर भी ये नित्य नहीं है। इसीलिए शरीर का ज्ञान या शरीर की अविद्या यानी क्या फिजियोलॉजी या बाकी सारे जो शरीर से जुड़ा हुआ ज्ञान है वो सारा आता है। यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अविद्या और आत्मविद्या जो है, अध्यात्म विद्या जो है वो विद्या, ऐसे दो है। तो उपनिषद में क्या कहते हैं कि यदि हम अविद्या की उपासना कर रहे हैं, सिर्फ अविद्या की उपासना कर रहे हैं, तो हम अंधकार में जा रहे हैं ऐसा लगता है, और यदि हम विद्या की उपासना कर रहे हैं तो हम ज्यादा ही अंधकार में जा रहे हैं ऐसा लगता है। तो ये यानी अध्यात्म विद्या से भी अविद्या यानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अध्ययन ज्यादा अच्छा है, ऐसा इस पहले श्लोक से दिखता है। फिर दूसरे श्लोक में वो कहते हैं कि नहीं, हमने जो पूर्वजों से सुना है वो हम आपके आपको बताते हैं, ऐसा बताते हुए फिर यानी आप धीरज रखिए, आप हिम्मत मत खो जाइए, ऐसा कहते हुए फिर तीसरे श्लोक में वो कहते हैं विद्याम च अविद्याम च यस्तत् वेदो भयम् सह अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मृतमश्नुते। यानी हमें विद्या और अविद्या दोनों साथ साथ अध्ययन करना है, और अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा यानी अविद्या से हम जो विनाश होता है, जो दुख आता है, जो सफरिंग्स होते हैं, उसको हम उसके ऊपर विजय प्राप्त करके विद्यया मृतमश्नुते, विद्या से हम अमृतत्व को आनंद को प्राप्त करें। यानी ये दोनों साथ साथ चलना है। आजकल आप जानते हैं ना, ये जैसे पहले ऐसा होता था कि जिसका आईक्यू अच्छा है वो बहुत अच्छा मैनेजर होगा या वो बहुत अच्छा सीईओ हो सकता है, हाई आईक्यू है तो। लेकिन बाद में इनके ध्यान में आया कि ऐसा जरूरी नहीं है, उसका आईक्यू भी अच्छा होना है, उसका ईक्यू भी अच्छा होना है, यानी भावनांक इमोशनल क्वोशन्ट भी अच्छा होना है। क्योंकि यदि वो खुद को मैनेज नहीं कर सकता तो वो बाकी अपने इंस्टीट्यूट हो, अपना बिजनेस हो, अपनी फैक्ट्री हो, उसको कैसे मैनेज कर सकेगा। इसलिए पहले तो खुद को मैनेज करना भी आना है, तो आईक्यू भी चाहिए, ईक्यू भी चाहिए। फिर बाद में अभी वो कहते हैं नहीं, सिर्फ आईक्यू और ईक्यू नहीं, हमें एसक्यू भी चाहिए यानी स्पिरिचुअल क्वोशन्ट चाहिए। स्पिरिचुअल क्वोशन्ट यानी क्या है कि मैं जहां काम करती हूं उससे जो जो जुड़े हुए लोग है, सृष्टि है, उन सबके प्रति आत्मीयता रखते हुए, सबका हित ध्यान में लेते हुए मैं कार्य करती हूँ, यानी वो है एसक्यू। तो मैं इन सबका विचार करते हुए ही मेरी कार्य योजना बनाती हूँ। जैसे समझिए मैं कृषि कार्य कर रही हूँ तो ठीक है, मैं बहुत सारे पेस्टिसाइड्स अगर इसका उपयोग करूंगी तो कहीं ना कहीं मैंने पृथ्वी का, मिट्टी का विचार नहीं किया, एनवायरनमेंट का विचार नहीं किया। मैं समझिए मैं किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ, कुछ उत्पादन कर रही हूँ, लेकिन इससे कितना पोल्यूशन होगा ये मैं नहीं देख रही हूँ, या इससे हम नेचुरल रिसोर्सेस पे यानी उसमें भार डाल रहे हैं ये नहीं देख रही हूँ, तो मेरा कार्य योग्य नहीं है। या मैं जहां काम करती हूँ वहां से जुड़े हुए सभी लोगों को आनंद मिले, इस प्रकार से मेरा काम कैसा होगा, तो ये सारा इसक्यू में आता है। इसीलिए आईक्यू भी चाहिए, ईक्यू भी चाहिए, इसक्यू भी चाहिए। ये जो आज मनोविज्ञान के जो ये है या आज के जो वैज्ञानिक है जो कहते हैं, वो पहले हम पहले से ही कहते हैं कि विद्या अविद्या दोनों साथ साथ दोनों का अध्ययन होना है। यानी जीवन में विज्ञान भी चाहिए, जीवन में अध्यात्म भी चाहिए। मैं कौन हूं और खुद को संभालना भी हमें आना चाहिए, सबके प्रति आत्मीयता भी चाहिए, और सबका विकास करने के लिए हमारे पास योग्य तकनीकी और विज्ञान भी चाहिए। तो ये दोनों साथ साथ लेकर कार्य करने वाला यानी अपना व्यवहार होना है, यही स्वामी विवेकानंद ने बताया। स्वामी विवेकानंद का अध्यात्म और विज्ञान के बारे में भी और काफी सारे बातें हैं, जैसे और कुछ बातें हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चाहे विज्ञान हो चाहे अध्यात्म हो, इनका जो अंतिम लक्ष्य है वो क्या है।
यानी उसकी परिणति परिपूर्णता किसमें होती है। तो जैसा स्वामी जी कहते हैं कि समझिए रसायन शास्त्र है, तो रसायन शास्त्र की परिपूर्णता किसमें होगी कि जब ऐसा कोई एक रसायन हम ढूंढ निकालेंगे कि जिस रसायन से बाकी सारे रसायन हम तैयार कर सकते हैं, ऐसा कोई रसायन ढूंढ निकालेंगे तो रसायन शास्त्र की वहां परिपूर्णता हो जाएगी। दैट इज ऑल द साइंसेस, वेदर स्पिरिचुअल साइंस और दिस वर्ल्ड साइंस, दे ऑल कल्मिनेट इन वननेस। उसी प्रकार जैसे अभी फिजिक्स है, फिजिक्स में हम जानते हैं कि बहुत सारे फोर्सेस की बात होती है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वीक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। तो ये सारे फोर्सेस का यदि एक फोर्स हम हमें मिल जाएगा कि जिससे ये सारे जुड़े हुए हैं, जिसको हम इन सब इसमें परावर्तित कर सकते हैं, तो फिजिक्स का अध्ययन समाप्त हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा। उसी प्रकार अध्यात्म में हम यदि उस एक की अनुभूति, एकात्मता की अनुभूति में पहुंचते हैं, तो चाहे हमारे कितने भी अलग अलग संप्रदाय हो, हम भगवान की अलग अलग नाम से प्रार्थना करते हो, लेकिन वो सारा आखिर वही समाप्त होता है। और ऐसा जब होता है तब जीवन में सारा ही हम जो कुछ करते हैं वो आध्यात्मिक होता है, इवन वैज्ञानिक भी आध्यात्मिक होता है। जैसे स्वामी विवेकानंद की जो शिष्या थी भगिनी निवेदिता, तो उन्होंने स्वामी जी से वेदांत सीखकर वो इतनी प्रभावित हुई थी, हम जानते हैं वो बाद में भारत आई, यहाँ भगिनी निवेदिता करके उन्होंने धर्म की दीक्षा, हिंदू धर्म की दीक्षा लेते हुए यहाँ बहुत सेवा कार्य किया। तो स्वामी विवेकानंद का जो साहित्य है उसमें जो प्रस्तावना उन्होंने लिखी है, तो वो कहती है, इफ द मेनी एंड द वन बी इंडीड द सेम रियलिटी, देन इट इज नॉट ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप अलोन, बट इक्वली ऑल मोड्स ऑफ वर्क, ऑल मोड्स ऑफ स्ट्रगल, ऑल मोड्स ऑफ क्रिएशन, विच आर पाथ्स ऑफ रियलाइजेशन, नो डिस्टिंक्शन हेंसफोर्थ बिटवीन सेक्रेड एंड सेक्युलर, टू लेबर इज टू प्रे, to conquer is to renounce, life is itself religion, to have and to hold is as stern a trust as to quit and avoid। और बाद में वो स्वामी जी को quote करती है कि art, science and religion are but three different ways of expressing a single truth, but in order to understand this we must have theory of Advaita, यानी oneness, यानी भगिनी निवेदिता कहती है कि एक और अनेक, ये सचमुच जब एक है ये अनुभूति आती है, या ये हमें हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है, अद्वैत सिद्धांत ने बताया है, तो सिर्फ अलग अलग प्रकार की पूजा ही नहीं, तो विविध प्रकार का काम भी, जो हमें जीवन में संघर्ष करना पड़ता है वो संघर्ष भी, जो निर्मिति हम करते हैं वो निर्मिति भी, ये सारे उसी साक्षात्कार के मार्ग है, और इसके आगे कोई फर्क नहीं है। यदि हम खेती में काम कर रहे हैं वही हम प्रार्थना कर रहे हैं, यदि हम युद्ध में विजय कर रहे हैं वही हम पूर्ण वैराग्य से भी, वही वैराग्य भी है, यानी जीवन ही एक धर्म हो जाता है, अध्यात्म हो जाता है। ऐसा भगिनी निवेदिता का एक बहुत ही यानी प्रेरक, वो स्वामी जी के विचारों से प्रेरित होकर ये लिखा हुआ ये है, यानी क्या कि स्वामी विवेकानंद ने जो अध्यात्म और विज्ञान को समझते हुए हमें बताया है, तो वो दोनों ही अल्टीमेटली एक होते हैं। लेकिन स्वामी जी ने और एक बात बताई, यानी स्वामी जी ने बताया कि आज जो साइंस है वो धीरे धीरे ये अद्वैत वेदांत की तरफ यानी अध्यात्म की तरफ आ रहा है। हम सब जानते हैं कि यानी साइंटिस्ट ने ये पूरा विश्व किससे बना है इसका अध्ययन करना जब शुरू किया, तब यानी इसका संशोधन करना, तब पहले तो उनको लगा जैसे बिल्डिंग होती है उसकी इकाई ईंट होती है, तो वैसे इस पूरे विश्व की इकाई क्या है। तो पहले उन्होंने कहा कुछ धातु है, फिर उन्होंने कहा नहीं मॉलिक्यूल है, फिर उन्होंने कहा नहीं एटम है, एटम कभी विभाजित नहीं होता है, ये अल्टीमेट छोटी इकाई है, इससे पूरा विश्व बना है।
फिर बाद में ध्यान में आया कि नहीं, एटम के भी टुकड़े होते हैं, उसमें भी प्रोटॉन है, पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो सबसे छोटा है, तो अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन ये सबसे बेसिक मटेरियल है, इससे पूरा विश्व बना है। अच्छा, फिर इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इलेक्ट्रॉन में 6 प्रकार के क्वार्क है। अच्छा, वो क्वार्क क्या है? ऐसा अध्ययन करते गए करते गए करते गए तो जो क्वार्क है, यानी ये जो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, उनको साइंटिस्ट इंसिडेंट कहते हैं। इंसिडेंट यानी घटना, यानी ये पार्टिकल बस ऐसे दिखता है और लुप्त होता है, दिखता है और लुप्त होता है। यानी जैसे अभी मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, बोलने के लिए ये कुर्सी तो हम सारे अभी बैठे हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन प्रोग्राम में अपने अपने जगह बैठे हैं। अभी ये कुर्सी बोलने के लिए तो ये सॉलिड है, लेकिन ये सॉलिड नहीं है, इसमें प्रचंड गति चल रही है, यानी सारे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं प्रत्येक एटम में। और वो इलेक्ट्रॉन क्या है? तो वो क्वार्क से बने हैं। क्वार्क क्या है? तो वो सारे सब एटॉमिक पार्टिकल है। वो क्या है? तो एनर्जी है, वो जो दिखती है मिट जाती है, दिखती है मिट जाती है। कल्पना कीजिए, यानी ये पूरा विश्व, जैसे फ्रिज ऑफ कापरा कहते हैं, ये पूरा विश्व जैसे एक इलेक्ट्रॉनिक फॉग जैसा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक कोहरा है, वो दिख रहा है लुप्त हो रहा है, दिख रहा है लुप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी हम सबको कुर्सी कुर्सी दिखती है, ये लैपटॉप लैपटॉप दिखता है, सबको सारा एक जैसा ही दिखता है। ये क्या है? साइंटिस्ट सोचने लग गए, यानी हम सारे परस्पर जुड़े हुए, परस्पर संबंधित, परस्परावलंबी है। अभी इस कुर्सी में जो सब एटॉमिक पार्टिकल दिख रहा है लुप्त हो रहा है, वो बाद में मेरे शरीर में आता है, बाद में और कहीं जाता है। ये सारा हम सब परस्पर जुड़े हुए हैं। जो अध्यात्म में हम कह रहे हैं, वो आज साइंस कहता है। दूसरा, ये साइंटिस्ट ये क्वार्क का अध्ययन करने लगे, यानी पहले तो जैसे लाइट रेडिएशन है, तो ये क्या है? तो ये लहर है, यानी तरंग है, वेव है, या पार्टिकल है, यानी फोटोन है। तो कल्पना कीजिए कितना अद्भुत है ये, यानी जब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और जब बाहर वो आता है, तो वो वेव करके आएगा, यानी तरंग करके आएगा, या पार्टिकल करके आएगा, ये यो वो वैज्ञानिक जो सोचता है उसके अनुसार होता है। यानी वैज्ञानिक सोचता है वेव करके आएगा, तो वो वेव करके आता है। वैज्ञानिक सोचता है वो फोटोन यानी पार्टिकल करके आएगा, तो वो पार्टिकल करके आता है। हम जानते हैं कि लाइट रेडिएशन वेव भी है, पार्टिकल भी है, यानी ईश्वर निर्गुण भी है, सगुण भी है, निराकार भी है, साकार भी है। और जितना हम सूक्ष्म सूक्ष्म जाते हैं, वहां भी वैसा ही दिखता है कि ये द्विविध है, ये वेव भी है, ये पार्टिकल भी है। और ये हमें कैसा दिखेगा, ये कैसे तय होगा, ये हमें कैसे दिखेगा, ये कैसा तय होगा? तो मैं क्या सोचती हूँ उससे तय होगा, यानी क्या मेरे मन से ही ये सारी निर्मिति है। मेरे मन को मैं ठीक करती हूँ तो सारा मेरा आजू बाजू का भी ठीक हो जाता है। ये ही अध्यात्म कहता है कि स्टार्ट विथ यूर सेल्फ इफ यू वॉन्ट टू ब्रिंग चेंज इन अदर्स। यदि हमें दूसरों में बदलाव लाना है तो खुद में बदलाव लाइए। या यदि मेरा किसी से जमता नहीं है तो वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है मत बोलिए। आपका उसके साथ व्यवहार करने का तरीका बदलिए और आप देखेंगे कि वो भी बदल जाता है। यानी स्टार्ट विथ यूर सेल्फ, सारा एवरीथिंग स्टार्ट्स विथ यूर सेल्फ। यानी ये आज विज्ञान भी समझ रहा है और अध्यात्म में पहले से ही बताया है। इससे स्वामी विवेकानंद हमें बताते हैं, बहुत महत्व का बिंदु है। स्वामी जी कहते हैं आज पूरे विश्व का क्योंकि रिलीजियस ग्रंथों में कुछ अलग लिखा है और विज्ञान कुछ अलग बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने रिलीजन भी छोड़ रहे हैं और भगवान को भी छोड़ रहे हैं। तो ऐसे समय में लोगों को अध्यात्म के मार्ग में लाने के लिए भारत को बहुत बड़ा योगदान करना है। भारत ये साधारण देश नहीं है, उसने इस अध्यात्म को बहुत अच्छी तरह से समझा है, जिसका विज्ञान के साथ कोई संघर्ष नहीं है। केवल भारत में ही विज्ञान और अध्यात्म एक साथ जा सकते हैं, वो एक ही इसके दो पहलू है ऐसा हम कहते हैं। और इसीलिए अपने देश में वैज्ञानिक और ऋषि, इसके लिए अलग अलग शब्द नहीं थे, वैज्ञानिकों को ही हमने ऋषि बोला, पाणिनि ऋषि, पतंजलि ऋषि, चरक ऋषि, सुश्रुत ऋषि। तो
तो ऐसा विज्ञान और अध्यात्म यहाँ हमेशा साथ साथ गए हैं और ये योगदान भारत को पूरे विश्व को करना है, यह स्वामी विवेकानंद हमें कहते हैं। और इसी अध्यात्म को लेते हुए खुद के जीवन को सुधारना और वो जो एक ही आत्म तत्व जो मुझ में है वही सब में है, और इसीलिए हर एक के प्रति आत्मीयता का भाव रखते हुए सेवा कार्य करते हुए मैं मेरे जीवन का थोड़ा बहुत निश्चित समय मेरे समाज के लिए दूंगी, मेरे राष्ट्र के लिए दूंगी, क्योंकि ये दूसरे नहीं है, ये मेरा ही विस्तारित स्वरूप है। तो उस आत्मीयता से एक रूप होते हुए उसके लिए समय देकर काम करना, सेवा कार्य करना, तभी हम अपने राष्ट्र का भी पुनरुत्थान कर सकते हैं, जिससे यह राष्ट्र अध्यात्म में पूरे विश्व को योगदान करने में समर्थ होगा। ऐसा यह समर्थ भारत बनाने का करने का तरीका विज्ञान और अध्यात्म दोनों को अपनाते हुए हम कर सकते हैं, ऐसा स्वामी विवेकानंद का संदेश है। और इसीलिए विवेकानंद केंद्र में भी 25 दिसंबर से लेकर, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने 25, 26, 27 दिसंबर कन्याकुमारी में इस शिला पर बैठते हुए 3 दिन 3 रात ध्यान किया था, और वहीं उन्होंने भारत के ऊपर ध्यान किया था, भारत के पुनरुत्थान के लिए कार्य करने का संकल्प किया, और इसीलिए 25 दिसंबर से शुरू करते हुए 12 जनवरी तक विवेकानंद केंद्र भारत में समर्थ भारत पर्व मनाता है। तो ये भारत समर्थ कैसा बनेगा, हम खुद को भी उन्नत करें, खुद में बदलाव लाते हुए खुद को उन्नत करें, परिस्थिति को अनुकूल बनाएं, ऐसा कार्य करते हुए हम इस राष्ट्र का पुनरुत्थान करते हुए विश्व का ही कल्याण करें, ऐसा स्वामी विवेकानंद का जो विचार, जो यह शिला स्मारक बना उस समय पूरे भारत भर सब जगह लेकर गए थे, अभी उस शिला स्मारक के 50 बरस पूरे हुए हैं इसी सितंबर में, तो उस समय जो 1 रुपए का कूपन था उसमें स्वामी जी का ये विचार पूरे भारत भर देखे, भारत का आत्मविश्वास ही बढ़ गया था। स्वामी जी का विचार वो ये है कि ना मैं भविष्य में देखता हूँ ना देखना चाहता हूँ, किंतु एक दृश्य मेरे आंखों के सामने बड़ा स्पष्ट उभर रहा है, ये प्राचीन भारत माता पहले से भी अधिक गौरवशाली होते हुए उभर रही है, उसकी पूरे विश्व में शांति और मंगलमय शब्दों से उद्घोषणा कीजिए। यानी ये भारत जब जब समर्थ होगा वो किसी को दबाएगा नहीं, तो मानव जाति का कल्याण ही होगा, शांति और मंगल ही सबका मंगल होगा, ऐसा स्वामी विवेकानंद का जो विचार है उस विचार को सार्थक हम विज्ञान और अध्यात्म दोनों को पकड़ते हुए कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से भारत को समर्थ बनाएंगे, और हम अपना ऐसा निश्चित समय राष्ट्र के लिए दे, जैसा हो सके तो पूरा जीवन ही दे दे। विवेकानंद केंद्र एक ऐसा ही स्थान है कि जहां हम आके ज्वाइन करके हमें प्रशिक्षण मिलता है, हमारी देखभाल भी की जाती है, और हम राष्ट्र के लिए पूरा अपना समय दे सकते हैं। तो ऐसा कार्य हम सब, यानी थोड़ा बहुत तो समय निश्चित देते हुए कार्य करें, तभी अपना स्वामी विवेकानंद जयंती मनाना ये सार्थक होगा। इतना कहते हुए मैं समाप्त करती हूँ, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपके अमृतमय शब्दों को सुन के हम लोग निश्चित रूप से अत्यंत लाभान्वित हुए हैं, और आपका यह स्नेह और आपकी ये वाणी हमें मधुरता की ओर ले जाती है। आपकी मधुर वाणी को सुनकर हम निश्चित रूप से यह समझ सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने जो कार्य किया है उसको आपने अपने संपूर्ण शरीर में रचा बसा के उसी ओर लगी रही हैं। हम निश्चित रूप से आपके विचारों को सुनकर अत्यंत स्तब्ध हैं और चाहेंगे कि कभी सशरीर ये विश्वविद्यालय आकर आप हमारे अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करें, ना केवल छात्र छात्राओं को बल्कि हम जैसे शिक्षक जो आपसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं उनको आपके विचार हमेशा आगे की ओर ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आज अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ आप अत्यंत व्यस्तता में हैं, क्योंकि समर्थ भारत पर्व जो पूरे विवेकानंद केंद्र आयोजित करता है आपकी अत्यंत व्यस्तता थी, इसके बाद भी आपने समय निकालकर हम सबको आज विवेकानंद जयंती में हमारे कार्यक्रम को सार्थक बनाया, इसके लिए आपका विशेष रूप से धन्यवाद। अब मैं विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति मुकेश श्रीवास्तव सर से
विनम्र अनुरोध करूंगा कि आदरणीय दीदी के प्रेरणादायी शब्दों में शब्दों के लिए दो शब्द कहकर एवं इस कार्यक्रम की सार्थकता को अपने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करें आदरणीय कुल सचिव डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव सर। धन्यवाद डॉक्टर गौरव जी। निश्चित रूप से आज दीदी के विचारों को जो उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बताया है, जो हम लोग का मार्गदर्शन दिया है, उससे हमारा समस्त विश्वविद्यालय परिवार लाभान्वित हुआ है और हम आशा करते हैं कि इस इन उच्च विचारों को सुनकर हम अपने जीवन में कैसे क्रियान्वित करें उसके लिए कोशिश करेंगे और हमेशा उसको संजो के रखेंगे। आपके विचार प्रेरणास्पद हैं दीदी, और हम चाहेंगे कि जैसा कि अभी प्रभात तिवारी जी ने अनुरोध किया है कि आप विश्वविद्यालय का कभी समय जरूर निकालें और झांसी की इस ऐतिहासिक भूमि पर आप आकर के हमारे विद्यार्थियों के बीच में जो अपने विचार रखेंगे उससे हमारे समस्त विश्वविद्यालय परिवार लाभान्वित होगा। बहुत ही हम लोगों को उच्च दर्शन प्राप्त होंगे आपके विचारों को सुन करके। हम विश्वविद्यालय के समस्त छात्रों के लिए अलग अलग माध्यमों से उनके व्यक्तित्व विकास के लिए कार्य कर रहे हैं और उसके लिए लगातार प्रयत्नशील रहेंगे। हम आगे भी उनको इस तरह के अवसर उपलब्ध कराते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका पुनः धन्यवाद करते हैं। आपके विचारों से हम बहुत ही लाभान्वित हुए हैं। आपको शत शत नमन। धन्यवाद आदरणीय कुल सचिव महोदय। अब चूंकि दीदी का समय भी कम है, अन्य व्यस्तता भी है, पर मैं चाहूंगा कि आज के हमारे कार्यक्रम के औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक आदरणीय डॉक्टर गौरव शर्मा सर औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन कर आज के इस कार्यक्रम का समापन करें। आदरणीय डॉक्टर गौरव शर्मा सर। धन्यवाद डॉक्टर प्रभात जी। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पद्मश्री निवेदिता मैडम को, जिन्होंने आज सही में वास्तव में हम सबको बहुत ही चीजों के लिए सोचने पे मजबूर किया कि कैसे विज्ञान और अध्यात्म एक संघर्ष नहीं बल्कि साथ में चलने का एक तरीका है, और कैसे वेदांत ने विज्ञान को संबल दिया। बहुत सारी बातें निकल के आई मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। साथ ही धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय कुलपति जी को, जो हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं सदैव और हमेशा प्रोत्साहन दिया है, जिनके मार्गदर्शन में ये सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं। साथ ही धन्यवाद सारे डीन्स, डायरेक्टर्स, रजिस्ट्रार और साथ में जुड़े हुए जितने ऑफिसर्स हैं उनको, कि उनका मार्गदर्शन एवं सहयोग हमें समय समय पर मिलता रहता है, जिसके कारण हम ये सब कार्यक्रम करने के लिए कार्यक्रम सुचारू रूप से कर पाते हैं। बहुत धन्यवाद सारे फैकल्टी मेंबर्स का और हमारे विशेषकर छात्र छात्राओं का जो ऑनलाइन माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और हमें सदैव जुड़कर संबल प्रदान करते रहते हैं। साथ ही धन्यवाद सारे आयोजन समिति का जो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए थे। ये कार्यक्रम कल भी चालू रहेगा, 12 तारीख का भी प्रोग्राम है, तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद देना चाहूंगा कि कल भी आप हमारे साथ पुनः जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। थैंक यू सर। ओके। Program is available on the YouTube, sir. It is already recorded on the YouTube. The link you have pasted, okay, I have pasted in the chat box. It is available. Thank you, Dr. Tanmay. All the meeting has been recorded and it is available on the YouTube, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you.